Screen on screen. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सारे भाई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम आशा, कैसे हैं आप बेटा? आप छुट्टी पे थे इतने दिन? जी मैम, मैं घर पर नहीं थी। अच्छा, सब खैरियत थी ना फैमिली में? जी मैम। ओके, चलो जी, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। अच्छा जी, कल हमने क्या किया था? हु विल रिपीट द यस्टरडेज लेक्चर अ लिटिल बिट, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आयान बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके बारे में भी डिटेल दे दो थोड़ी सी। जी बताइए कि कितने पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, कितने पार्ट्स होते हैं? इसके तीन पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जी ठीक हो गया। जो ड्यूडेनम है ये कभी 10 इंच लंबा होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा देर तक डाइजेशन होती है। ठीक हो गया। और इसका फंक्शन ये 3 डिफरेंट सिक्रीशन के साथ मिक्स करता है। एक बाइल है, एक पैनक्रियास्टिक जूस है और एक इंटेस्टाइन जूस है। इंटेस्टाइनल जूस। ठीक हो गया। साथ नेक्स्ट आप इसको कंटिन्यू कीजिए आफ्टर ड्यूडेनम। मैम ड्यूडेनम से अगला पार्ट ड्यूजिनम होता है। ड्यूजिनम 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। मैम ये जो बाकी डाइजेशन होती है जो जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारे फूड के होते हैं, वो उसकी डाइजेशन ये ड्यूजिनम के अंदर होती है। अच्छा, और किस में? ये बताइए कि प्रोटीन किन फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं? अमीनो एसिड्स एंड कार्ब्स। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रोडक्ट में चेंज होंगे? कौन से न्यूट्रिएंट्स? जी जी मैम, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे सिंपल शुगर्स में। ठीक है, ग्लूकोज जी और जी लिपिड्स किस में होंगे? मैम लिपिड्स फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, याद रखना है आपने, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल न्यूट्रिएंट्स ऑफ दीज फूड आइटम्स? ठीक है, ठीक है। सब बच्चे ये जहन में रखें, ये पीछे एक्चुअली ये पॉइंट्स पीछे थे, पीछे वाले एक दो टॉपिक्स में थे, यहाँ पे उन्होंने रिपीट नहीं किया। ओके ठीक है। इलियम के क्या मेजर रोल है यहाँ पे? इलियम इज फॉर द इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग होता है मैम। इसका काम होता है ये अब्सॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। इसके अंदर काफी सर्कुलर फोल्ड्स होती हैं इनर वॉल में और इन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विली कहते हैं और फिंगर में विलस कहते हैं। मैम विली बस इसलिए होती है कि जो इनर वॉल्स है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और वो अब्सॉर्प्शन में हेल्प करें ज्यादा। ठीक हो गया जी। ताहा आर यू देयर? यस मैम जी। व्हाट अबाउट अब्सॉर्प्शन? Where absorption will occur in the ileum part? इसको आप elaborate कर दें थोड़ा सा।
मैम जो विलिस की वॉल्स होती है वो एक सेल जितनी थिक होती हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना डाइजेस्टेड, जैसे कि सिंपल शुगर इन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो वो बाद में जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि सिंपल शुगर अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरीज के वो प्रेजेंट होती है और वहां अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, विलस के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और वहां पे ठीक हो गया सिंगल, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आपको पता है सिंगल सेल थिक है, वहां पर अब्सॉर्प्शन हो जाए. ओके, एंड व्हाट अबाउट लैक्टियल्स, व्हाट अबाउट लैक्टियल? जी लैक्टियल के बारे में, लैक्टियल आप ये देख लो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो ना तो यू कैन इजीली गिव आंसर. ये एक विलस का स्ट्रक्चर है, ये ब्लड कैपिलरीज तो आपको रेड ब्लू शेड में नजर आ रही है स्टूडेंट्स, लेकिन yes, ये जो लैक्टियल है ये सेंटर में देखें येलोइश कलर का एक ट्यूब साथ साथ इसके पास कर रहा है, ठीक है. तो ब्लड वेसल्स के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम भी हमारी बॉडी में रखा हुआ है वेसल्स का, जिसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं इन वेसल्स को. और ये कौन से सिस्टम से बिलोंग कर रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम से बिलोंग कर रही है ये जो लैक्टियल्स है. जबकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये कौन से सिस्टम से बिलोंग कर रही हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, जो हमारा ब्लड सिस्टम है बॉडी. और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इसके अलावा ब्लड में वाटर लेवल को कंट्रोल करती हैं. ये कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन छोटी सी दी थी लैक्टियल्स के बारे में. और लैक्टियल्स का यहाँ फंक्शन क्या है कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करेंगी. ठीक हो गया, चलिए जी मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स. शुड आई टेक अटेंडेंस फर्स्ट? यस जी मैम. जी एक जस्ट वेट, आमना है पार्टिसिपेंट में, 5 लोग नजर आ रहे हैं मुझे. यस मैम. चलिए आयान प्रेजेंट में, सात बिन आमिर प्रेजेंट, ताहा ताहिर प्रेजेंट, अमना नई प्रेजेंट, आयशा प्रेजेंट, एंड हनी, हनी इज एब्सेंट, एब्सेंट. ओके चलिए जी मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक. बिल्कुल एंड रह गया डाइजेस्टिव ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल लास्ट पार्ट है जो आज हम करेंगे, एंड इट इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या कर रही है. लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वो वाला पार्ट है जिसमें अब जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सारे का सारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर हो जाएगा. मैं पिक्चर पे जा रही हूँ, ये देखिए आप, यू कैन सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू. यस मैम. जी अभी ये देखें, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो सारी कॉन्वोल्यूटेड पार्ट थे जिसके तीन हमने देख लिए सारे ऑर्गन्स. आफ्टर एंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो ब्राउन कलर का जरा बड़े साइज का, ये देखें इसका जो वाया है ट्यूब का वो अब बड़ा हो गया है. दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. और ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द हर तरफ से उसने उसको पैक किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन ने. इट हैज 3 मेजर पोर्शंस. फर्स्ट वन इज नोन एज सीकम. सीकम जो है वो फर्स्ट पॉइंट है जो कि अटैच हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. इट्स अ टी शेप्ड जंक्शन, ऐसे जैसे टी की शेप में एस के साथ ऐसे अटैच हुआ है. सीकम वो पॉइंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ. सीकम के बिल्कुल नीचे आप देखिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है नोन एज अपेंडिक्स. ये वर्ड कभी बड़ा कॉमन है, सुना होगा बच्चों ने अपेंडिक्स के बारे में. अपेंडिक्स ऑपरेशन, हाँ जी, ये कभी समटाइम्स सीवियर पेन किसी पेशेंट को हो जाए और उसमें क्या होता है, इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और फूड पार्टिकल अगर इस पोर्शन में चला जाए ऊपर जाने की बजाय तो फिर बहुत ज्यादा पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, ये फूल जाती है, स्वेल कर जाती है और फिर इसको
थ्रू ऑपरेशन इसको कट करके निकाला जाता है बाहर, ठीक है. इट हैज नो रोल इन द डाइजेशन, लेकिन ये फिर भी बॉडी में मौजूद है. अच्छा जी आगे चलते हैं. ये वो पार्ट है जो जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं. नहीं बेटा, ये तो फिलहाल एंजाइम्स भी नहीं इसके अंदर होते, फिलहाल ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये बॉडी का वो पार्ट है इट है जिसका अभी तक कुछ डिस्कवर नहीं हुआ कि इसका फंक्शन क्या है. बस अगर इसके अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाएं तो ये बड़ा पेनफुल होता है, और कुछ कंट्रीज में तो इसको एट द बर्थ पहले ही टाइट बंद कर दिया जाता है ताकि फूड यहाँ एंटर ही ना हो, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ. इट्स एन एक्स्ट्रा पार्ट. अच्छा जी आगे चलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन सीकम के बाद अगला जो पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज कोलोन. ये देखें, यह लेबल हुआ है कोलोन, और यहाँ पर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारे का सारा आ जाएगा, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन किस चीज की होगी, जस्ट वाटर की. जितनी देर फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होती रहेगी, गुजरती रहेगी, उतनी देर तक वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है. उसके बाद फूड विल एंटर इनटू द लास्ट पार्ट, दैट इज रेक्टम, और यहाँ से फूड को रेक्टम में कुछ देर स्टोर रहेगा, और जब रेक्टम फुल भर जाएगा फीसेस, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बोलते हैं फीसेस, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को फीसेस बोला जाएगा. और जब ये रेक्टम फिल अप हो जाएगा तो फीसेस से, तो फिर एनस, इट्स ओपनिंग, एनस जो है ये इस पॉइंट से बाहर आउट कर दिया जाएगा. यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि हमें जब ये फुल फिल हो जाता है ना जब रेक्टम, तो हमें ऑटोमेटिकली फीलिंग होती है कि वी शुड गो वॉशरूम, और फिर एनस के थ्रू ये आउट हो जाएगा. छोटे बच्चों में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए आपको पता है छोटे बच्चे जब मर्जी जो फीसिस है वो पास कर देते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे बड़े लोग हैं दे कैन कंट्रोल दिस प्रोसीजर. ठीक हो गया. चलें जी इसके बाद, ये तो डायग्राम मैंने आपको करवा दी. डायग्राम के बाद कहाँ से जाना, ये दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. Aisha, you read this these lines and then we will move on to the liver. Ji ma'am. There is a growing concern. Ma'am, ye upar se padhna hai. Beta, maine aap screen dekh rahe ho? Maine large intestine ko kiya. After the digested products of our bite. जी मैम, आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, द रिमेनिंग मास एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन. इट हैज थ्री पार्ट्स, सेकम और पाउच दैट फॉर्म्स द टी, सेकम दैट or pouch that forms the T junction with small intestine, colon and rectum. From colon, water is absorbed into blood. As water is absorbed, the solid remains of food are called feces. Feces mainly consist of the undigested material, large number of bacteria, slugged off cells of alimentary canal, bite pigments and water are also part of feces. जी feces के भी यहाँ पे short question बन जाता है कि what are the different in parts के लिए कि feces में कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं, material क्या है feces का, तो इसमें कुछ bacteria हैं, large number of bacteria, slugged off cells. जब food pass करती है तो वो जो alimentary canal के कुछ cells हैं वो broke हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो भी साथ ही feces में enter हो जाते हैं. इसके अलावा bile pigment, बाइल पिगमेंट्स के जो रेड ब्लड सेल्स हैं कुछ वो आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि वो लिवर से पास ऑन होके बाइल पिगमेंट में आ रहे होते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो डेड रेड ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं, और कुछ वाटर और आल्सो पार्ट ऑफ फीसेस. ठीक हो गया. आगे चलें जी, रीड द नेक्स्ट लाइंस. जी मैम, फीसेस आर टेंपरेरली स्टोर्ड इन रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू एनस. Under normal conditions, when the rectum is filled up with feces, it gives rise to a reflex, and anus is opened for
defecation. Defecation means passing out the feces outside. Washroom जाने के लिए इस word use हो रहा है defecation. This reflex is consciously inhibited in adults, but in infants it is controlled involuntarily. During growth, child learns to bring this reflex under voluntary control. जी, can you differentiate between voluntary and involuntary actions? Yeah, I think पहले भी मैंने पूछा हुआ है. आयाना बताओगे मुझे difference in? Yes. मैं voluntary वो होता है जो हम खुद से करते हो, involuntary वो होता है जो automatic होता है, मतलब खुद से नहीं होता. जी, तो छोटे बच्चों में ये इनवॉलंटरी एक्शन है. जब भी उन्हें वॉशरूम जाना, मतलब जरूरत फील होती है, तो कहीं भी हो तो वो विदाउट एनी कंट्रोल वो कर देते हैं. ठीक है ना, यूरिन पास कर देते हैं, स्टूल पास कर देते हैं. तो उनका ये जो है सिस्टम इनवॉलंटरी होता है, बट बाय द टाइम वो कह रहे हैं कि बच्चों को सिखा दिया जाता है, रिफ्लेक्स उनका स्ट्रांग हो जाता है एंड दे कैन कंट्रोल. अच्छा जी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, ये भी जरा रीड कर लिए, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है. अब उन्होंने पूछा हुआ है कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इस यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, भी आगे टॉपिक आएगा कॉन्स्टिपेशन का, जिसमें आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लोगे कि जितनी देर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करते हैं, उतना ही पानी एब्जॉर्ब होता रहता है. और अगर ज्यादा देर ना स्टोर करें तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, फिर लूज मोशन आते हैं पेशेंट को. अच्छा जी, जी द लास्ट नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ लिवर. अब हमारा एलिमेंट्री केनाल स्टूडेंट्स एंड हो गया, एंड एनएस तक हम पढ़ चुके हैं. अब एलिमेंट्री केनाल को जो असिस्ट कर रहे थे ग्लैंड्स, जहां से हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे, दीज आर द ग्लैंड्स. एक तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लिवर. ठीक है, इसके अलावा लिवर के साथ ये है पेंक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है जो कि पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा. और जो लिवर जो है वो बाइल रिलीज करेगा. बाइल इज द नेम ऑफ सिक्रीशन ऑफ लिवर. और यहाँ से जो इतनी भी बाइल है वो कलेक्ट होके इस पाउच में इकट्ठी हो जाएगी. इस पाउच को नाम दिया जाएगा गॉल ब्लेडर का. ठीक है, और फिर इस गॉल ब्लेडर की डक्ट है, छोटी सी ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू जितना भी बाइल है वो शिफ्ट हो जाएगा ड्यूडिनम में. यह आप पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में आ जाएगा. ठीक है, ये अब इसके बारे में रीड कर लेते हैं कि लिवर के इसके अलावा और भी काफी सारे फंक्शंस हैं, वो नेक्स्ट आई थिंक स्लाइड में आ जाएंगे. देखते हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं. जी आयान बेटा, आप यहाँ से रीडिंग करें, इसके फंक्शंस को हम देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस. लिवर सीक्रेट्स बाइल व्हिच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. व्हेन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, bile is released into duodenum through common bile duct. Bile has no enzymes but contains bile salts for the emulsification of lipids. It helps the lipid digesting enzymes to attack on lipids. Besides digestion, liver carries out a number of other functions, some of which are summarized here. जी, okay beta, zara stop. This is very important line के bile जो है it contains no enzyme. ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होगा जो डाइजेस्ट करेगा. सिर्फ बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो के जो लिपिड्स हैं, यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उनको इमल्सिफाई करेगा. इमल्सिफाई मींस, कौन बताएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन साथ या ताहा में से कोई आंसर करेगा. मैं बताऊं. जी बेटा आयान, ये प्रोसेस होता है जैसे बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. नहीं तो इमल्सिफिकेशन वो तो ठीक हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि डाइजेशन नहीं करता, जस्ट इमल्सिफिकेशन करता है लिपिड्स की. इसका मतलब होगा कि कभी आपने स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बल्कि करके भी देख सकते हैं आप, अगर आप एक पानी का ग्लास लें उसके अंदर आप इमल्सिफिकेशन दो से ज्यादा लिपिड्स का मिक्सचर होता है. नहीं बेटा, जस्ट इमल्सिफिकेशन में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, अगर आप एक पानी के ग्लास में एक चम्मच ऑयल डाल दें तो क्या होगा, ऑयल कहाँ जाएगा सारा.
क्या हो जाएगा आयशा? कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पानी में? जी मैम। हाउ? नो मैम, ऑयल नीचे बैठ जाएगा, ऑयल मिक्स ही नहीं होगा पानी में। वेरी गुड, नीचे बैठ जाएगा। और बच्चा कोई और ऑप्शन दे। नहीं नहीं, कोई और ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन। पानी में फ्लोट करते रहेगा। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। ऑयल जो है वो लाइटर होता है वेट में, सो इट विल फ्लोट ओवर द वॉटर। ये आप आज करिएगा, एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अच्छा, अब वो इसका मतलब है कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, बल्कि पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करता है। अब हमने लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाना है। अब लिपिड तो हम क्या करेंगे, उसको तेजी से आप चम्मच हिलाना शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमाएं। उससे क्या होगा, जो ऑयल है जो कि ऊपर ऊपर था सारा, इट विल डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, छोटे 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 उसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। मिक्स नहीं होगा पानी में, लेकिन वो बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉप्स उसके बन जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएगा। ऑयल विल चेंज इंटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, यानी आपने उसकी वो कर दी, शेक कर दिया आपने ऑयल को। दिस प्रोसीजर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और अगर आप ग्राइंडर में ये काम करते हैं, पानी के अंदर डाल के ऑयल को मिक्स करते हैं, तो वो एक थिक सा गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा, तो वो क्या प्योर इमल्सिफिकेशन वो होगी। तो हमारी जो बाइल है वो ये काम करती है कि लिपिड्स को डिवाइडेड, लिपिड्स आर बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैट्स एंड ऑयल्स को डाइजेस्ट करने के लिए कि एंजाइम उस पर एक्शन कर सके, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है बाय इमल्सिफिकेशन। अब क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। चले जी आगे चलते हैं। उन्होंने देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि इट हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम टू अटैक द लिपिड्स, इसको छोटा कर देगा तो एंजाइम उस पर जल्दी अटैक करेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। दीज आर सम फंक्शंस। ताहा यू रीड दीज फंक्शंस। हरिया, रिमूव्स अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, डी अमीनेशन, कन्वर्ट्स अमोनिया टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया, डिस्ट्रॉयज द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, manufactures blood clotting protein called fibrinogen, converts glucose into glycogen, and when required breaks glycogen into glucose, converts carbohydrates and proteins into lipids and produces cholesterol, produces heat to maintain body temperature, stores fat soluble vitamins A, D, E and K and mineral ions such as iron. ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के जो इसके फोर जो इसके डिफरेंट टास्क हैं, उसमें क्या हो रहा है कि सिंपल जो है वो अमाइन, क्योंकि इसने सिंपलीफाई मजीद करना है, प्योरीफाई करना है। आपने जब ये इलियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इलियम में हमने देखा था जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो उसमें हिपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा होता है, लिवर में। अब लीवर में क्यों जाता है, फॉर टॉक्सिफिकेशन, के जितना भी उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन है उसको रिमूव किया जा सके। तो ये जो स्टार्टिंग के फोर फंक्शंस हैं, दे आर रिलेटेड टू दिस, यानी कि जो अमाइनो एसिड के अंदर जितना भी अमाइन ग्रुप है उसको ये बाहर निकालता है, रिमूव करता है। इस प्रोसीजर को बोलेंगे डीएमिनेशन, कि अमाइनो ग्रुप को ये रिमूव करेगा ताकि अमाइनो एसिड में से एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन है वो निकल सके। अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद होता है, अमाइनो मीन्स NH2। और सेकेंड इसका काम क्या है, कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज यूरिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NHO। नो, NH3। NH3 इज द अमोनिया। जी, तो NH3 जो बहुत ज्यादा जहरीला है उसको कम जहरीली फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज यूरिया। अच्छा जी, उसके बाद है इट डिस्ट्रॉयज द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, लिवर जो है उसके पास सारा ब्लड एक्चुअली आ रहा है थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन फॉर प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। तो उसके अंदर जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ये खत्म करता है ताकि न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके। मैन्युफैक्चर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, और वो क्या काम करेगी, लिवर उसको प्रोड्यूस करता है ताकि ब्लड की क्लॉटिंग हो सके। जब कभी चोट लगे तो बॉडी के अंदर इतनी पावर हो कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो सके, एक्स्ट्रा ब्लड की फ्लो ना हो। अच्छा जी, ये जो रिमेनिंग थ्री हैं, इसमें अब क्या हो रहा है कि जितना भी फूड हम खाते हैं वो अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फूड न्यूट्रिएंट्स हैं तो लिवर उस सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है।
कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अब ग्लूकोज अगर आपने ज्यादा जरूरत से ज्यादा ले लिया है तो क्या करेगा, वो लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और जब कभी आपको जरूरत है, आपने काफी देर तक खाना नहीं खाया, आपको महसूस हो रही है तो भूख महसूस हो रही है, तो यही ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में ताकि आपको एनर्जी मिल सके. समझ आई बात? इसके अलावा कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स, एंड यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एक्स्ट्रा यानी कि जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल स्टोर इन द लिवर. अब किस फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे? लिपिड्स एंड प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएंगे लिवर के अंदर. इसके अलावा इट प्रोड्यूसेस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये भी इसका फंक्शन है. इसके अलावा स्टोर्स, इसके अंदर क्या स्टोर करता है, ये फैट सोल्युबल विटामिंस भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है एंड मिनरल आयंस भी स्टोर करता है सच एज आयरन. आयरन को भी अपने अंदर स्टोर करता है. ये जो अक्सर हम घर में चिकन खाते हैं या बकरे की कलेजी खाते हैं, हम अब ये बड़ी ईद आ रही है तो क्यों हम वो खा रहे होते हैं बकरे की कलेजी, की हमारी बॉडी में खून बने, क्यों? उसके अंदर आयरन मौजूद है, बहुत ज्यादा आयरन स्टोर हुआ होता है. ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिंस मौजूद होते हैं. तो बहुत से लोग ये स्पेशल बल्कि अपनी डाइट में शामिल रखते हैं, कलेजी वगैरह खाते रहते हैं स्पेशली बकरे की, ताकि हमें हमारी बॉडी में खून ज्यादा से ज्यादा बन सके. ठीक है, चलिए, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. इसका एक समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, समटाइम्स इसी के अंदर से, जैसे ये देखें लाइन, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये भी आया हुआ है कि हाउ ग्लूकोज कैन बी यूज्ड बाय द लिवर. तो ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है? ग्लाइकोजन में. ग्लाइकोजन वो फॉर्म है जो कि इस्तेमाल नहीं होती बल्कि स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी रहती है. जब भी ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है तो ग्लाइकोजन को पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? ग्लूकोज में, तब वो ब्लड का हिस्सा बनेगा. ठीक है जी? जी मैम. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि अब्सॉर्प्शन कौन से पार्ट में होती है एलिमेंट्री कैनाल के? सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. और अगर मैं बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन की तो उसमें कौन सा काम हो रहा था, कौन सा डाइजेशन के हवाले से कौन सा पार्ट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ मैम, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यस, आयान ने बता दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है जी, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आपको बच्चे बहुत शौक से, बल्कि बड़े भी आजकल एक ट्रेंड है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत शौक से पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो कह रहे हैं ये नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, कार्बन होता है इनके अंदर और ये हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को कम करता है. इट बॉडी बॉडीज पोअर इन ऑक्सीजन, बॉडी को में ऑक्सीजन की कमी करते हैं ये कार्बन और एसिडिक जिसके अंदर जो मेटीरियल होते हैं. दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड जो कि हमारी बोन्स को वीक करता है, ये इसका सेकेंड जो है वो ड्रॉबैक है, बोन वीकनेस हो जाती है. इसके अलावा इसके अंदर कैफीन होती है, स्पेशली जो ब्लैक ड्रिंक्स होते हैं ना, पेप्सी या कोका कोला वगैरह, तो कैफीन होता है. कोलाज इंक्रीज द हार्ट रेट एंड रेज ब्लड प्रेशर. ये कुछ डीमेरिट्स हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के जो हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं, तो ये बहुत कम कम यूज करने चाहिए. ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है एक विल्लस का, विल्लस का ट्रांसवर्स सेक्शन है कि इसके अंदर कैसे फोल्डिंग्स हैं और ब्लड कैपिलरीज है, लेकिन ये आपके लेवल पे नहीं है इसको क्योंकि डिटेल नहीं दी हुई इन्होंने. अच्छा जी, मूव ऑन टू द, ये आप स्टूडेंट्स जितने भी ये ब्लॉक्स हैं ये आप जरूर कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में मैं दे सकती हूँ. ठीक है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही उन्होंने ऐसे स्मॉल वो पूछे हुए. चलिए जी, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ गट. गट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमें एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है. इसमें कुछ बहुत कॉमन है जो कि जिनको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. जैसे कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज डायरिया. डायरिया के अलावा कॉन्स्टिपेशन भी बहुत एक कॉमन डिजीज है, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उन्हें रेगुलर बेसिस पर स्टूल पास नहीं होता, मतलब फीसिस वो रेगुलर बेसिस पे अपनी बॉडी से नहीं निकाल पाते ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है उन्हें. इसके अलावा अल्सर, अल्सर मींस स्टमक के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जख्म हो जाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. अब हम आगे देखेंगे कि अल्सर के क्या क्या रीजंस हैं, कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है हमें इन सब डिजीजेस से बचने के लिए, डायरिया से भी, कॉन्स्टिपेशन से भी और
अल्सर से भी. अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्टमक में रहती हैं, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल में रहती हैं. अच्छा जी, डायरिया में क्या होगा ये तो आप खुद ही बताएं, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डायरिया. ये तो बड़ी कॉमन है, मोस्टली बच्चों में होती है ये प्रॉब्लम. आमना, आमना बेटा आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. व्हाट हैपेंस इन डायरिया, नाम सुना है इस डिजीज का? जी क्या होता है इस प्रॉब्लम में? इसमें वाटर का होता है कि हाँ जी बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में डायरिया की वजह. हाँ, डायरिया की वजह से. तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि पेशेंट को बार बार लूज मोशन आते हैं. ठीक है, लूज मोशन आने से क्या होगा कि बॉडी का जो वाटर है वो बड़ी तेजी से जाया हो जाता है. और इसके अलावा डायरिया में और क्या होता है? वॉमिटिंग्स भी फील होती हैं पेशेंट को. यस मैम. जी वॉमिटिंग्स फील होती हैं. इसके अलावा लूज बॉवल मूवमेंट्स, पेन होती है बड़ी, जैसे मरोड़ सा जैसे उठ रहा है ना, बार बार पेन महसूस होती है शदीद. और पेशेंट बार बार वॉशरूम जा रहा है. दिस कंडीशन वी अकॉम्प्लिश बाय एब्डोमिनल पेन, नौजिया, मतली महसूस होती है. उसके बाद मतली अगर हो जाए तो उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है. और ये क्यों होता है? इट अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज नॉट अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम कोलोन. मैंने आपको पहले भी बताया था जो कोलोन है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट, और वहां पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है. अब वाटर एब्जॉर्ब तब होगा जब फूड वहां पर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहां पर स्टे करेगा. अगर स्टे नहीं कर रहा, तेजी से बाहर निकल रहा है, तो फिर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा और सारा पानी जो है वो रेक्टम के थ्रू आउट होता जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत देर तक फूड जो है वो कोलोन में स्टे करे तो उतनी ही देर वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है. तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो फीसिस हैं उतने ही ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है. तो वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, तब भी प्रॉब्लम है पेशेंट के लिए. उस केस में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. लेकिन अगर वाटर एब्जॉर्ब ना हो और तेजी से जो फीसिस हैं वो हर थोड़ी देर बाद बाहर निकल रहे हैं, मोशन आ रहा है, तो फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है. अच्छा जी, इसके कॉजेस क्या हैं? आयान आप रीड कर लें इसके कॉजेस के, क्यों हमें डायरिया हो जाता है, हमें किन चीजों से बचना चाहिए. When required water is not absorbed in blood from colon, lack of adequate safe water, viral or bacterial infections of large intestines. Insufficient food. And water is available. If the patient of diarrhea recovers in a few days. जी, इसकी अब रीजंस क्या हैं कि अगर आप साफ पानी नहीं पीते, बेसिकली ये जर्म्स से होता है, गंदे पानी से हो जाता है. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप साफ पानी ना पिए तो इन्फेक्शन हो जाता है वायरल या बैक्टीरियल. और इसको फिर आप अगर सफिशिएंट फूड लेते हैं, पानी की कमी को दूर करते हैं, तो ये कुछ दिन में ठीक हो जाता है. हाउएवर फॉर मेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स, डायरिया कैन, अगर डाइट आप सही नहीं लेते, आप मेडिकेशन सही नहीं लेते और डाइट स्पेशली अपनी अच्छी नहीं करते, तो ये जो डायरिया है ये प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है. इससे सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और लाइफ को थ्रेटनिंग हो जाएगी, पेशेंट जो है वो मर भी सकता है. इसके ट्रीटमेंट में क्या है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, प्रेफरेबली मिक्स विद एसेंशियल सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सॉल्ट्स मींस ये जो हम घर में फिर ORS या घर में ही पानी और नमक और चीनी मिला के पी रहे होते हैं बार बार, ताकि हमारी बॉडी से जितना पानी निकल गया है, जो सॉल्ट्स वेस्ट हो गए हैं, वो सारे पूरे होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर मेडिसिन लेंगे आप, एंटीबायोटिक्स मे बी रिक्वायर्ड इफ डायरिया इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. प्रिवेंशन ऑफ डायरिया इंक्लूड taking clean water and essential salts, eating regularly and taking hygienic measures. Basic iska cause yahi hai ki agar aap gandi diet le lein, bahar se ganda kuch kha lein ya ganda pani pi lein, to phir diarrhea ka problem start ho jata hai. Theek hai ji, samajh aa gaya ye wala diarrhea ka aapko topic? Yes, quite easy. Ji, next is constipation. Saath constipation ko read kar le. If there is some difficulty then I will explain. कॉन्स्टिपेशन कब्स को बोलते हैं कि जब मोशन ना आए पेशेंट को काफी दिन तक. जी, कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट. द मेन कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन include excessive absorption of water through colon,
insufficient intake of dietary fiber, dehydration, use of medicines, those containing iron, calcium, and aluminium, and tumors in rectum or anus. Constipation की ये सारी problems वजह हो सकती है. पानी आप ज्यादा ना लें, आप dietary fibers का इस्तेमाल. कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब वो अपनी फूड ठीक नहीं लेते, ज्यादा वो मीट और चिकन और ऐसी चीजें खा रहे हैं लेकिन डाइट्री फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे. डाइट्री फाइबर्स के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी. तो फिर वो क्या होगा, जब अनएब्जॉर्ब फॉर्म में वो निकलने की कोशिश करेंगे तो अपने साथ बाकी चीजों को भी ले जाते हैं. तो डाइट्री फाइबर्स शुड बी एडेड. और वो आप कहाँ से लेते हो डाइट्री फाइबर्स आयशा, कहाँ से लेते हो अपनी डाइट में, क्या ऐड करें तो डाइट्री फाइबर्स हम ले लेते हैं? रफेज. यस, रफेज लें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं उनमें रफेज बहुत ज्यादा, फाइबर बहुत ज्यादा होता है. तो आप हमें अपनी डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सैलेड बहुत ऐड करना चाहिए. ठीक है, उससे क्या होगा कि हम इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं. इसके अलावा अक्सर लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम और एल्युमिनियम की. या एक और प्रॉब्लम भी है कि ट्यूमर, ट्यूमर मींस कैंसर अगर हो रेक्टम में या एनस में, उससे भी कॉन्स्टिपेशन रहती है. अच्छा जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन? जी साथ कंटिन्यू कर लें इसको आगे से. यस मैम, आई थिंक आपका हेलो. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो इसके लिए आप डाइट्री फाइबर्स ऐड करें अपनी डाइट में, खाने पीने में. मेडिसिन लें जैसे कि लेक्सेटिव. लेक्सेटिव होता है पेट को नरम करने वाली ऐसी दवाइयां जो पेट को सॉफ्ट करें, जैसे ऑयल्स. पैराफिन्स मीन्स फैट्स एंड ऑयल्स. जैसे अक्सर ये जो हम सीरप्स लेते हैं ना, उनके अंदर ऑयल्स मिक्स हुए होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन को सॉफ्ट कर देते हैं. कॉन्स्टिपेशन इज यूजुअली इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट. वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं इसके लिए मेडिकल मेडिकेशन लें, आप अपनी डाइट को अच्छा कर लें. तो मतलब अगर आप इस कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स. ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और डाइट्री फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड करें तो दवाई खानी नहीं पड़ती. ओके, लास्ट टॉपिक इज अल्सर. हु विल रीड अल्सर? आयान आप रीड कर लीजिए बेटा. 3 minutes are left. Hurry up, beta. Hurry up. Ulcer. Ulcer is a sore in the inner wall of gut. Sore बोलते हैं जख्म को, जख्म. ठीक है, जख्म हो जाए अगर. जी. In ulcer, the acidic gastric juice gradually breaks down the tissue of the inner wall. Ulcer of stomach is called gastric ulcer. Ulcer. अगर stomach wall के अंदर हो तो वो कहलाएगा gastric ulcer. और इसकी वजह क्या है, एसिडिटी. देखें, तेजाबियत अगर गैस्ट्रिक जूक में ज्यादा होगी तो वो हमारे अल्सर का कॉज करेगी, तेजाब अगर ज्यादा होगा तो. जी, द कॉजेस ऑफ अल्सर इंक्लूड एक्सेस एसिड, इंफेक्शन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कॉफी, कोलास एंड ईटिंग स्पाइसी फूड्स. देखें, सारी इसकी कॉजेज हैं कि आप कुछ ऐसी मेडिसिंस ले रहे हैं जिनमें एसिडिटी ज्यादा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस, जिनमें जब समटाइम्स हम एलर्जी वगैरह के लिए ये मेडिसिंस यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसको खत्म करना एलर्जी को, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. और ये खाने में सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करें, कोलास और मिर्च मसाले वाले खाने. अच्छा जी, आगे पढ़िए. The signs and symptoms of ulcer include abdominal burning after meals or at midnight. रात को अक्सर, आजकल यही फैशन है जब से छुट्टियां हुई है कि लेट नाइट जाग रहे हैं और खाना लेट खा रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. जी, मे कॉज एब्डोमिनल पेन, रश ऑफ सेलिविया आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रीगर्गिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस. Ulcer is treated with medicines which neutralize the acidic effects of gastric juice. Spicy, acidic foods and smoking should be avoided as preventive measures. जी, अब इसको वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा abdominal pain, पेट में दर्द हो जाता है,
बहुत ज्यादा सलाइवा रिलीज होता है आफ्टर द एपिसोड ऑफ, पेट में शदीद दर्द होगा ठीक है, और मरोड़ उठ रहे हैं पेट में शदीद, क्योंकि जख्म है ना पेट में, ये इसकी वजह से जब पेट में दर्द उठेगा तो सलाइवा रिलीज होगा एक्स्ट्रा, मतली होगी, वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती पेशेंट की। इसको अवॉइड करने के लिए हमें स्पाइसी फूड को नहीं खाना अपने खानों में, ठीक है, ये इसके कुछ मेजर्स हैं। टुडेज होमवर्क क्या लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आप बताइए, शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं आज तो, ये कर लें। यस एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज बना लीजिए, एनी फाइव। अच्छा एक और मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्विज होगा ना उसमें जितनी भी ये फिगर्स हैं उसको मैं दूंगी और यू हैव टू लेबल दीज फिगर्स, ठीक है, वो मतलब स्लाइड पे शो करूंगी तो उसकी ये जो लेबलिंग है इसको मैं हाइड कर दूंगी, यू हैव टू लेबल दीज फिगर्स, मतलब आप बताते जाओगे इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को, ओके मैम, जी मैं आपको बता दूंगी आज जी फ्राइडे मंडे को होगा, फ्राइडे को तो नहीं, मंडे इज द क्विज डे,